मत के बानी का नाम गुरु नानक देव जी है, जो कि 1459 में तलवंदी, जो कि आज ननकाना साहब के नाम से मशहूर है, जिला शेखोपुरा में कालूदास खत्री के घर पैदा हुआ। दूध कर्म फुन सुरत समायण, भांडा धोए बैस धूप देवो, सो दूध एको जावो। गुरु नानक देव जी नहायत कमगो और गुमसुम रहने वाले इंसान थे। इनकी पैदाइश पर एक नजूमी ने इनके वालिद को पेशन गोई की कि ये लड़का एक अजीम आदमी होगा। इनका सिलसिला तालीम 7 साल की उम्र में शुरू हुआ। आपने एक मुसलमान आलम दीन सैयद हसन अली से अरबी और फारसी की चंद अहम किताबें पढ़ीं और बाद में खुद इस्लामी लिटरेचर का मुतालिया किया। आपके वालिद ने ज़मीन की निगरानी और जानवरों की जिम्मेदारी आपके स्पुर्द की, लेकिन इस काम में भी आपका दिल ना लगा। बाद अज़ां आपके वालिद ने आपको एक दुकान खोल कर दी, पर आपने दुकान का तमाम सामान ज़रूरतमंदों में तकसीम। आपके वालिद ने आपको अमूर तिजारत में शामिल कर लिया। एक दिन आपके वालिद ने आपको नमक खरीदने के लिए दूसरे शहर भेजा और इस सफर में भाई बाला भी आपके साथ रहे। रास्ते में आपको कुछ फकीर नजर आए जो भूख की शिद्दत से बेहाल थे। आपने तिजारत वाली तमाम रकम इन फकीरों के खाने पीने के सामान पर खर्च कर दी। भाई बाला के पूछने पर आपने बताया ये हकीकी तिजारत है, जिसे सौदा कहते हैं। जिस मुकाम पर ये वाकिया पेश आया, इस जगह को सुच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। आपके वालदैन ने आपकी शादी मौला खत्री की बेटी सुलखनी से कर दी, ताकि इनकी तवज्जो दुनिया की तरफ हो सके। बाद गुरु साहब सुल्तानपुर में सरकारी खैरात खाने में कुछ अरसा तक मुलाजिम रहे। यहाँ आपसे हसद करने वाले लोगों ने आप पर बहुत इल्जामात लगाए, जो तहकीक करने पर गलत साबित हुए। आखिरकार आपके मुखालफीन के रवैये से तंग आकर आपने मुलाजमत छोड़ दी। मुलाजमत छोड़ने के बाद काफी अरसा आप सुल्तानपुर में ही रहे। फिर इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम श्री चंद और छोटे बेटे का नाम लखीदास है। 36 साल की उम्र में आपने सुल्तानपुर को छोड़ दिया और फकीराना लिबास पहनकर दरवेशी इख्तियार की। आपने मुसलसल 8 साल इस सफर में गुजारे। इस सफर में भाई मर्दाना और भाई बाला भी आपके साथ रहे। इस सफर के दौरान आपने बरसगीर के शुमाली और मशरकी इलाके का दौरा किया और हसन अब्दाल से बाहर पहाड़ी के नीचे आकर बैठ गए। इस पहाड़ी पर एक वली कंधारी रहता था, जिसे अपनी करामतों पर बड़ा गरूर था। इसके साथ की पहाड़ी से एक चश्मा निकलता था। गुरु नानक देव जी ने इसका गरूर तोड़ने के लिए भाई मर्दाना को इस चश्मे से पानी पीने को कहा,
लेकिन वली कंधारी ने इसे पानी पीने को मना कर दिया। भाई मर्दाना ने इसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन कंधारी ने कहा कि अगर तेरा पीर इतना शक्तिशाली है तो उसको कह के वो उधर से ही पानी का चश्मा निकाल ले। जब ये वाकिया भाई मर्दाना ने गुरु जी को सुनाया तो आपने भाई मर्दाना से कहा कि सत्य नाम कहकर एक पत्थर उठा और दूसरी तरफ रख दे, और करतार के हुक्म से पानी का चश्मा जारी हो गया। जब पत्थर के नीचे पानी का चश्मा निकला तो फौरन ही वली कंधारी का चश्मा खुश्क हो गया। वली कंधारी ने गुस्से से पहाड़ी से पत्थर को गुरुजी की जानिब फेंक दिया और गुरुजी ने अपने हाथ से इस पत्थर को रोक दिया। और इस बात पर वली कंधारी को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी। आज भी वो पत्थर इसी जगह मौजूद है और सिख लोग अकीदत से इस जगह पर आते हैं, जिसे पंजा साहब हसन अब्दाल कहा जाता है। दौरा के दौरान मदीना मुनव्वरा और मक्का तशरीफ ले गए। मुख्तलिफ मुअर्रखीन लिखते हैं कि गुरु साहब जब मक्का गए तो काबा की तरफ पांव करके लेटे हुए थे। इसी दौरान एक काजी पास से गुजरा और गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने खाना खुदा की तरफ पांव किए हैं। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, मुझे बता कि खुदा किस जगह नहीं है, मैं उस तरफ पांव कर लूं। काजी खामोशी से वहां से चला गया। इस सफर से वापस आकर आपने एमनाबाद में भाई लालू के घर क़याम किया। फिर कुछ अरसा बाद आप अपने अबाई गांव तलवंदी चले गए। आप
आपके वालदैन ने आपसे मिन्नत की कि अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं रहें। आपने जवाब दिया कि मेरी रिश्तेदारी किसी से नहीं, मेरा ताल्लुक हक सच से है। फिर आप एमनाबाद वापिस आ गए। नानक देव जी 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में फौत हुए। आपकी वफात पर एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया कि हिंदुओं ने कहा, चूंकि आप हिंदुओं के घर पैदा हुए थे लिहाजा आपको जलाया जाए, और मुसलमानों ने कहा कि ये सच्चे खुदा के बंदे थे, तौहीद परस्त थे और इनका शुमार मुसलमानों में होता है, लिहाजा इनकी मैयत को मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए। इसी दौरान दोनों फिरकों में एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो गया। आखिर कुछ लोगों ने राय पेश की कि बाबा जी की लाश ना जलाई जाए और ना ही दफनाई जाए, बल्कि रावी में बहा दी जाए। मुसलमान इस बात पर राजी ना हुए और ज़बरदस्ती गुरु नानक देव जी के मकान में दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ एक चादर मौजूद थी। उन्होंने इस चादर को हटा कर देखा तो लाश गायब थी और वहाँ फूल मौजूद थे। फिर मुसलमानों और हिंदुओं ने इस चादर को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया।